नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर वाराणसी से। वाराणसी लंका स्थित सामने घाट पर जगमग उद्योग व्यापार मंडल के नए कार्यालय का उद्घाटन व व्यापारियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंडल के संरक्षक व सलाहकार सनी ज्योतिषी संघ अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। देखिएगा, हाँ इधर देखिएगा, ठीक ठीक है, इधर देखिए सुन भैया, ठीक भैया। एक मिनट एक मिनट, लोगों को क्यों हमें अवेयर करना पड़े? हमारे समाज में सब कुछ घट रहा है, हमारे आँख से क्यों अंदाजा नहीं होता? हम अपने बच्चों को ये क्यों नहीं सिखाते कि जो तुम घर पे देख रहे हो, जो संस्कार तुम घर से सीख रहे हो, क्यों नहीं वो समाज को देते? लड़कियों को ही क्यों इतना बाउंड किया? हाँ रोल है, रोल है। हाँ सर, अपना परिचय बता दें। मैं रणजीत केसरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगमग उद्योग व्यापार मंडल। आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम चल रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? आज कार्यालय उद्घाटन का कार्यक्रम था और कार्यकर्ता जो पूरे हमारे प्रदेश में कार्य कर रहे हैं उनको हमने सम्मान कर रहा हूं और उनको हम अधिक से अधिक क्षमतावान बनाने के लिए हम लोग अपना एक सुझाव भी पेश। कितने लोगों को सम्मानित किए हैं आप? यहां पे कम से कम 500 लोगों को हमने सम्मानित किया। और कहां कहां से आए हैं लोग? यहां पे गाजीपुर से आए हैं, जौनपुर से आए हैं, मिर्जापुर से आए हैं, भदोही से आए हैं, सोनभद्र से आए हैं, चंदौली से आए हैं, गोरखपुर से आए हैं। केसरी बाबा जगमग उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश उपाध्यक्ष और सेनापति उद्धव। ये आज किस तरह का आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं? आज हम लोगों का प्रोग्राम करने का मेन उद्देश्य अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का सम्मान करना और सबसे बड़ी मेरा ये प्रोग्राम करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको अपने जगमग उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा उनको रोजगार देने का सहयोग और प्रदान। जैसा कि देखा जाए आज कार्यालय का आप उद्घाटन भी किए हैं जी, उद्घाटन करने का क्या उद्देश्य था, क्या मानसिकता? उद्घाटन करने का ये उद्देश्य है कि जितने भी दबे कुचले व्यापारी या जितने भी बेरोजगार लोग हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर हमारे कार्यालय पर आए और हमसे संपर्क करें, उनके संपर्क को सुनने के बाद हम लोग जो भी आगे का काम होगा उसको करने का कार्य करेंगे। ठीक ठीक।